हरिओम नमस्कार दोस्तों, मैं बिमला भदौरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ संगीत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी बताई थी, शुद्ध स्वरों का अभ्यास कराया था और सप्तक के बारे में बताया था। ये मध्य सप्तक, तार सप्तक और मध्य सप्तक, इनके बारे में मैंने बताया पिछले वीडियो में। और ये सात स्वर शुद्ध होते हैं, चार कोमल एक तीव्र, पिछले वीडियो में बताया है। अब मैं दोबारा इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सा एक छोड़ करके रे, फिर एक छोड़ करके गा, फिर मा एक छोड़ करके पा, फिर एक छोड़ करके धा, फिर एक छोड़ करके नी, फिर सा। तो ये 12 स्वर हो गए हैं। अब इसमें एक छोड़ करके रे बताया, तो इसके जो छोड़ा है ना, इसके आगे वाला कोमल होता है। एक छोड़ करके बताया था ये गा, तो इसके आगे वाला ये शुद्ध गा कोमल गा, फिर माँ, माँ के बाद ये तीव्र माँ, माँ माँ के बाद जो होती है वो तीव्र होती है, फिर पा सा अचल होते हैं, ये एक ही रहते हैं। फिर एक छोड़ करके धा, इसके आगे वाला कोमल, फिर नी, इसके आगे वाली ये कोमल नी। इस तरह से हमारे 12 स्वर हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 स्वर हो गए। अब इसमें आपको स्वर बोध में सिखाऊंगी इसमें। तो ये पहला पाठ वीडियो में मैंने आपको शुद्ध स्वरों का अभ्यास कराया, स्वर बोध सिखाया। अब आप यहां से इसमें आप थोड़ा सा श्री राम जय राम जय जय राम आपको निकालना सिखाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम सारे गा
श्री राम जय राम जय जय राम। आप इसको स्पीड में जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको जल्दी जल्दी भी बजा सकते हो। देखियो है ना फायदा आपको सर्वबोध के साथ में, आप बोर ना हो तो इसमें धुन भी निकाल सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम सारे गा गा रे सा, आप जल्दी जल्दी बजा सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह से आप सर्वबोध धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, और जिसको बिल्कुल हारमोनियम बजाना नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, और उनके लिए ये अभ्यास धीरे धीरे करें। तो ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे मैं वीडियो जो आप डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहिए, मिलाते रहिए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। खुश रहो, प्रसन्न रहो, धन्यवाद।